वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 यहां पर पेश किया और इसमें नए कर्मचारियों के लिए यानी कि जो अपना पहला जॉब यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे 210 लाख कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है, उसी के बारे में जो है आपको आज के इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लगभग 210 लाख ऐसे कर्मचारियों के लिए यहां पर एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत यदि आप एक नए कर्मचारी बनने जा रहे हैं यानी कि आप किसी कंपनी संस्था ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार अपना काम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहली बार अपनी नौकरी शुरू करने जा रहे हैं, पहली बार अपने आप को ईपीएफओ के अंतर्गत यहां पर रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक महीने का वेतन यहां पर जो है तीन अलग अलग किस्तों में सरकार आपको यहां पर देगी और इससे लगभग 210 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, इसकी भी घोषणा की गई है। यहां स्क्रीन पर आप वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया एक प्रेस रिलीज देख पा रहे होंगे, जिसमें बताया है कि सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार से संबंधित प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी। इस योजना में सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कामगार के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा, इससे कि 210 लाख युवाओं को लाभान्वित होने की आशंका है। वहीं पर इस योजना के विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो पहली बार रोजगार पाने वाले के रोजगार से जुड़ा है और इससे पहली बार रोजगार पाने वाले 30 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं पर सभी क्षेत्र के अतिरिक्त रोजगार को शामिल करने वाले नियोक्ताओं पर केंद्रित इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिलने की आशा भी यहाँ पर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर आप एक ऐसे एम्प्लॉय है जो किसी क्षेत्र में यहाँ पर पहली बार जॉब करने जा रहे हैं, पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं, पहली बार अपने आप को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो आपको एक महीने की सैलरी यहाँ पर जो है सरकार की ओर से दी जाएगी। यहाँ पर यह भी शर्त है कि आपकी वेतन यहाँ पर 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सरकार की ओर से जो दिए जाने वाला अमाउंट होगा वो अधिकतम 15,000 रुपए होगा, जो कि ईपीएफओ यहाँ पर 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट पर ही यहाँ पर जो है कर्मचारियों को ईपीएफओ के बेनिफिट देता है। तो ऐसे में ईपीएफओ की ओर से 15,000 रुपए की सीलिंग को वेतन मानकर आपको जो है तीन अलग अलग किस्तों में 15,000 रुपए यहाँ पर सरकार की ओर से आपके पहले जॉब करने पर दिए जाएंगे। तो सरकार की ओर से रोजगार प्रोत्साहन के लिए आज बजट 2024 में लिया गया ये फैसला आपको जो है कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो, ये जानकारी, ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।